हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोमनाथ और आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल गार्डियन ऑल एचडी में। दोस्तों, आज का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि आप गुलदावरी के पौधे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं पुराने पौधे से। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा अपडेट किया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने गुलदावरी का पौधा है इसे मैंने 2 हफ्ते पहले कटिंग कर दिया था, तो इसीलिए देखिए एकदम पूरा नीचे से भर गया है। ये सब गुलदावरी के पौधे हैं, देखिए इसमें भी है, इसमें भी देखिए निकल आया है पौधा। तो अब हम इसने इनको कलेक्ट कैसे करें। दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको इसके जो जड़ है इन जड़ों को देखिए, यहाँ पर आपको उंगली धंसा देना है इस तरह से और धीरे धीरे इन्हें आप जड़ से उखाड़ कर लाइए। ये देखिए दोस्तों, इनमें जड़े आ चुका है और ये है छोटे छोटे बेबी प्लांट। इसमें 2 है, मैं इसे अलग कर देता हूँ। ये रहा, मिल गया हमें 2 बेबी प्लांट। ये देखिए, इसमें से भी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। अब जब भी निकालिएगा ऐसे एक उंगली को इसके नीचे से अंदर दीजिएगा, इससे क्या होगा, इसे सपोर्ट मिलेगा और आप इसे जड़ से उखाड़ कर ले सकते हैं। ये देखिए, तो अब हमने गुलदावरी के पौधे कलेक्ट कर लिया है। तो अब हम दोस्तों इसमें कुछ पत्तियां छांट देंगे ताकि इसे सर्वाइव करने में मदद मिले। इसको जितना कम पत्तियां रहेगा उतना अच्छा है इसमें। ये देखिए, हमने सिर्फ 3-4 ही पत्ते रखेंगे इसमें। अब इन्हें छांटने के बाद हम इन्हें कुछ देर के लिए, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे पानी में रखेंगे और उस पानी में हम थोड़ा फंगिसाइड भी मिला लेंगे। फंगिसाइड मिलाने से क्या होगा दोस्तों, ये नए पौधे अभी अभी जड़ से उखाड़ा है हमने, तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है यहाँ पर फंगस लगने का डर होता है। साथ में अगर इसके ऊपर कोई कीड़ों मकोड़ों भी होगा तो इस पानी में डालने से वो निकल जाएगा और इसमें फंगस नहीं लगेगा। तो दोस्तों, हमने इसे भिगो दिया है, अब हम इसे पॉट कैसे करें और किस में करें। दोस्तों, हम में से हर किसी के पास छोटे पॉट नहीं होता है, तो हम ऐसे प्लास्टिक के ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे ऐसे छोटे छोटे छेद आप कर दीजिए, ऐसे छोटे छोटे 3-4 छेद आप कर दीजिए। अब हम दोस्तों इसमें पॉटिंग करने के लिए इसको रेडी करेंगे। उसके लिए इसके नीचे हमें थोड़ा रेत दे देना होगा ताकि इसका ड्रेनेज होल ठीक रहे। इसके नीचे और मैंने कुछ नहीं दिया क्योंकि इसका छेद बहुत छोटा छोटा है, तो कुछ भी इसमें से निकल कर नहीं जाएगा, सिर्फ इसका छेद बंद ना हो मिट्टी से, इसलिए मैंने इसको ढक दिया। अब दोस्तों मैं इसमें सॉइल मिक्स डालूँगा। दोस्तों, ये मेरा पुराना सॉइल मिक्सर है, ये मैंने पिछले वीडियो के लिए बनाया था, तो मैं वही मिक्सचर डाल दूंगा। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको यही देना पड़ेगा, बस इसमें वर्मी कंपोस्ट का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। मैंने उसमें 20% वर्मी कंपोस्ट दिया था, तो इसमें मैं और भी ज़्यादा और 20% मिला दिया है, मिलाकर इसको रेडी कर लिया है। बस ध्यान रहे कि जब आप छोटे प्लांट पॉटिंग करेंगे तो वर्मी कंपोस्ट का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखिए क्योंकि वो प्लांट के लिए अच्छा होता है।
तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें प्लांटिंग करेंगे। ये देखिए पूरी तरह से भीग गया है, अब हम इसे इसी तरह से लगा देंगे। ये जो टेढ़ा हुआ है ये टेढ़ा बाद में नहीं रहेगा, ये सीधा ही हो जाएगा। ये जब ग्रो करेगा तो एकदम सीधी तरीके से ही ग्रो करेगा। आपको इसको सीधा करने के लिए किसी भी तरह का कोई सपोर्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे मिट्टी डाल दीजिए, इसे थोड़ा दबा दीजिए इस तरह से ताकि इसे सपोर्ट सही ढंग से मिल जाए। अब हम दूसरा भी ऐसे ही करेंगे। ये देखिए डाल दिया और इसमें भी पूरा मिट्टी भर दिया है हमने। अब इसे भी दबा दूंगा सही से। ये देखिए दोस्तों अब ये पूरा रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, दोनों में ही थोड़ा थोड़ा। अब पानी डालने के बाद इन्हें हम सेमी शेडेड एरिया में रख देंगे। एक हफ्ते तक रखिएगा तो ठीक होगा। दोस्तों आप इस तरफ देख सकते हैं मैंने पहले से ही कुछ बेबी प्लांट कलेक्ट करके रखा है, इन्हें लगाए हैं। मेरा डेढ़ से दो हफ्ता ही हुआ है मैंने इनको पॉटिंग किया है। आप अगर सही ढंग से देखिएगा तो देखिए ये कितना अच्छी तरह से ग्रो कर चुका है। इनका जड़े आपको दिखाई देने लगेगा। ये देखिए इस पर भी आप देख सकते हैं इनके जड़े आपको सही ढंग से दिखाई देगा। तो दोस्तों चलिए अब आप भी जाइए और जल्दी से कुछ गुलदावरी के पौधे कलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको अगले साल के लिए अभी से ही पौधा मिल जाए और आप मनचाहा ढंग से उन्हें ग्रो कर सकें। और दोस्तों इसके ऊपर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा कि आप इन्हें कौन कौन से वक्त में कौन कौन से फर्टिलाइज़र दीजिएगा, कौन कौन से लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको ज़रूरत है, किस तरह से आप इनको कटिंग करेंगे वो सब मैं दिखाऊँगा आगे आने वाले वीडियोस में। आप मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलता हूँ दोस्तों।